नगर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब मंत्री के बेटे ने रोडवेज चालक व दुकानदार की पिटाई कर दी आरोपों की माने तो आरोपी द्वारा फायरिंग भी की गई है जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई मंत्री के बेटे की इस हरकत को वहां मौजूद लोग भी गलत बताते हुए दिखे खैर कुछ भी हो पुलिस मामले की जांच कर रही है वहीं इस घटना से दुकानदार और रोडवेज कर्मियों का गुस्सा भी फूट गया आक्रोशित दुकानदारों और रोडवेज कर्मियों ने मार्ग पर बसों को लगा कर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की मामले की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा शांत किया है वही दुकानदारों और कर्मचारियों के प्रदर्शन से यातायात काफी देर तक बाधित रहा आपको बता दें कि मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे निशु की गुंडई का मामला सामने आया है आरोप है कि बन्ना देवी थाना क्षेत्र में रोडवेज बस से कार टकराने के बाद मंत्री के बेटे ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी इस दौरान बीच बचाव करने आए दुकानदार की पिटाई करने का भी आरोप है आरोपों की माने तो करीब पांच राउंड फायरिंग किए गए हैं। बताते चले कि रोडवेज कर्मियों ने आरोपी पर केस दर्ज कराने की मांग की है पीड़ित रोडवेज बस ड्राइवर हंस कुमार के मुताबिक वह रोडवेज वर्कशॉप से गाड़ी निकालकर जा रहा था तभी पीछे से मंत्री के बेटे ने गाड़ी में टक्कर मार दी इसके बाद गाड़ी से उतर कर वह मारपीट करने लगे विरोध जाहिर करने पर उसने फायरिंग कर दी। वही दुकानदार अजीत पाल सिंह ने मंत्री के बेटे पर करीब पांच राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप लगाया है क्षेत्रीय प्रबंधक परवेज खान के मुताबिक रोडवेज बस के चालक के साथ किसी गाड़ी वाले ने मारपीट की है बस चालक की तरफ से शिकायत दी जा रही है और मामला दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही कराई जाएगी सीओ द्वितीय राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सैटेलाइट बस स्टैंड पर रोडवेज बस चालक के साथ किसी व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई है बताते चले कि आरोपित को मंत्री का बेटा बताया जा रहा है इस बारे में पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बताते चले कि यह घटना बन्ना देवी इलाके में सैटेलाइट बस स्टैंड के पास की है दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे की कार रोडवेज बस से टकरा गई थी आरोप है कि मंत्री के बेटे ने गाड़ी से उतरकर बस चालक की जमकर पिटाई की और उसके बाद अपनी पिस्टल से हवाई फायरिंग की फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई इतना ही नहीं आरोपों की माने तो चालक को बचाने आए स्थानीय दुकानदार की भी पिटाई कर दी गई अन्य दुकानदारों के साथ भी मारपीट की गई घटना के बाद आक्रोशित रोडवेज बस चालकों ने रोड पर गाड़ियां लगाकर मंत्री के बेटे पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय दुकानदार अजीत पाल सिंह ने बताया कि मंत्री के बेटे निशु ने पहले तो बस चालक के साथ मारपीट की फिर उसे बचाने पहुंचे उनके बेटे के साथ भी मारपीट की खैर कुछ भी हो अब देखना होगा कि क्या आरोपित पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है ऐसे लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को को क्लिक कर को करें करें। हमारे चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब धन्यवाद जंगम आयुर्वेदा जिसने बरसों से आपका भरोसा जीता बना आपकी जिंदगी का हिस्सा अब जंगम आयुर्वेदा आपके लिए लाए हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाए गए खास योग किट जिनमें शुगर के लिए जंगम डी रस योग किट जोड़ों के जिद्दी दर्द के लिए जंगम जॉइंट पेन किट महिलाओं में मासिक धर्म संबंधित समस्याओं के लिए जंगम स्वर्ण कलश नारी योग किट बवासीर के लिए जंगम ट बेहतर पाचन के लिए जंगम पाचक रस किट के लिए जंगम थायरोकेट, जटिल सोराइसिस के लिए जंगम सोरांत किट पुरुषों की दुर्बलता ठीक करने में सहायक जंगम स्वर्ण कलश योग किट के साथ साथ और भी अद्भुत औषधियां इन सभी औषधियों के लिए हमारे सभी सम्माननीय वैद्य डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स व मार्केटिंग एजेंसी संपर्क करें जंगम आयुर्वेदा नीलोखेडी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा मोबाइल नंबर नाइन